हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 12th का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर का आज हमें करना है फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो जल्दी से इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन स्टार्ट करते हैं विद्युत रसायन का। सबसे पहले आपको समझना है कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं। आपने जैसा पढ़ा होगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि विद्युत रसायन में मुख्यतः रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। अब ये जो शब्द आया है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, इसका मतलब ज्यादातर बच्चों को पता होगा। रेडॉक्स अभिक्रियाएं उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो उस संपूर्ण अभिक्रिया को आप कहोगे रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर आप इसे कह सकते हो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व। ठीक है। तो आपको नॉर्मली इस बात का पता होगा कि हमारे पास जब भी कोई, मान लो ये बर्तन है हमारे पास, एक ये बर्तन है, और इस बर्तन में हमने भर रखा है एक, यहां तक द्रव भर रखा है कोई। ठीक है। और जैसे मैं कहूं कि हमने भर रखा है इसके अंदर जल H2O, और जल में हमने मिला दिया इसके अंदर एक विद्युत अपघटक है, जैसे NaCl, हमने नमक मिला दिया इसके अंदर। तो आपको पता है कि जैसे ही आप इसके अंदर नमक मिलाओगे, तो नमक यानी NaCl पानी में घुलते ही कैसे टूट जाएगा? ऐसे टूट जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे टूट जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे इस जलीय विलयन में बहुत सारे तो Na पॉजिटिव आयन होंगे और बहुत सारे होंगे Cl नेगेटिव आयन। जैसे ही आप पानी में नमक को घोल दोगे, तो नमक घुलते ही क्या हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा और विलयन में बहुत सारे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे। अब यदि मैं आपको कहूं कि हमने क्या काम करा कि इसमें इधर तो एक छड़ डुबा दी, इधर एक छड़ डुबाई जिसके ऊपर धनावेश था, और इसके ऊपर इधर छड़ डुबाई जिसके ऊपर ऋणावेश था, तो आपको पता होगा कि ये जो Na पॉजिटिव आयन है सारे, धनायन सारे इधर भागना शुरू कर देंगे ऋणावेशित प्लेट की तरफ, और ऋणायन सारे इधर भागना शुरू कर देंगे धनावेशित प्लेट की तरफ, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि धनावेश इधर की तरफ बह रहा है इस तरफ, और ऋणावेश इस तरफ बह रहा है, और आवेश के प्रवाहित होने की दर को ही हम कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है। यदि कोई आपसे पूछता है विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए आवेश प्रवाह की दर, या आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इससे हमें एक बात पता चली कि जितने भी विद्युत अपघटक हैं, क्या हैं? विद्युत अपघटक। उन विद्युत अपघटक का यदि आप जलीय विलयन बनाते हो, जलीय विलयन, किसी भी विद्युत अपघटक का यदि आप जलीय विलयन बनाते हो, तो वो जलीय विलयन क्या होता है, वो विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है। वो विद्युत धारा को क्या कर सकता है? प्रवाहित। तो किसी भी विद्युत अपघटक के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है, उसे ही हम कहते हैं विद्युत चालकत्व। क्या कहते हैं? विद्युत चालकत्व। अब देखो जरा ध्यान से, यहां लिखा हुआ है कि विद्युत अपघटनी या
आयनिक चालकत्व का मतलब क्या है? आयनिक चालकत्व का मतलब आयनों के कारण विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उत्पन्न होना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विद्युत अपघटक गलित अथवा विलयन में, या तो विद्युत अपघटक को गला दो आप गर्म करके तो भी NaCl के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और गलाने पर भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मुक्त हो जाएंगे। अथवा विलयन में, या फिर आप NaCl को या किसी विद्युत अपघटक को पानी में घोल दो, उसका विलयन बना दो, विद्युत धारा का संचालन करते हैं। यानी विद्युत अपघटक या तो गलित अवस्था में या फिर विलयन अवस्था में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। तो कोई भी विद्युत अपघटक का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर पाए जाते हैं मुक्त आयन, इसलिए हम उसे कहते हैं आयनिक चालकत्व। अब देखो, विद्युत अपघटनी चालकत्व से संबंधित कुछ मूल अवधारणाएं, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हमें सीखनी है। सबसे पहले हमें सीखना है विद्युत चालकता, सी से लिखते हैं इसे। इसका मतलब क्या है? यह चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी C इज इक्वल टू 1/R। विद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, ये संकेत है ओम इनवर्स का, या मोहो MHO होता है। SI पद्धति में विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस होता है। तो विद्युत चालकता की यदि परिभाषा आती है, इसे विद्युत चालकत्व भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? विद्युत चालकत्व। तो ये डेफिनेशन लिखनी है कि विद्युत चालकत्व या विद्युत चालकता सी प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम होता है, ठीक है? आर का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा ही चालकत्व या चालकता है। अगला हेडिंग है विशिष्ट चालकता, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कप्पा से। ये लिखा हुआ है कप्पा, के नहीं है, कप्पा है, ध्यान रखना। ये देखो, के का मतलब क्या है यहाँ? कप्पा। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध रोहो के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता अर्थात कप्पा कहते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ, और रोहो का जो फार्मूला होता है ना, देखो ये जो यहाँ रोहो लिखा हुआ है, इसका फार्मूला होता है ये, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो रो की जगह हम जब आर ए अपॉन एल लिखेंगे तो एल तो ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ एल तो यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, या फिर 1/RA, और ऊपर क्या चला गया? L। तो ये ध्यान रखना है आपको फार्मूला, एग्जाम में खाली फार्मूला भी पूछा जा सकता है। कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ भी पता होना चाहिए, और कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू एल अपॉन ए भी पता होना चाहिए। विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब हम बात करेंगे मोलर चालकता की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मोलर चालकता लैम्डा एम, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघटक के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तो आपके पास कोई भी एक विलायक होना चाहिए, जैसे जल, और उसमें आप किसी भी पदार्थ का जो विद्युत अपघटक हो उसका एक मोल घोल दो, और एक मोल को घोलने से जो भी विलयन आपको प्राप्त होगा उसमें मुक्त आयन तो होंगे ही, तो उन मुक्त आयनों की जो चालकता टोटल बैठेगी उस चालकता को हम कहेंगे मोलर चालकता, ठीक है, या मोलर कंडक्टिविटी। बताओ समझ में आई क्या बात? कुल मिलाकर यदि मोटे शब्दों में मैं कहूँ, सॉल्ट में कहूँ, तो मैं कहूँगा एक मोल विद्युत अपघटक के विलयन की चालकता। इसमें सिर्फ आयतन फिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज फिक्स है कि आपको विद्युत अपघटक का एक मोल घोलना है किसी भी विलायक में, और एक मोल के घोलने से जो विलयन तैयार होगा उसकी चालकता यानी उसकी विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता कितनी है, ठीक है। मोलर चालकता लैम्डा एम तथा विशिष्ट चालकता कप्पा में संबंध,
ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें पढ़ा रखी हैं आपको डिटेल में बहुत। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा थाउजेंड अपॉन सी, या फिर आप कह सकते हो कप्पा थाउजेंड अपॉन एम, ठीक है। सी को आप एम भी कह सकते हो, सी का मतलब यहाँ, सी का मतलब यहाँ कंसंट्रेशन है और यहाँ एम का मतलब मोलरता है, ठीक है। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, जहां सी या एम विलयन की मोलर सांद्रता है, जिसे मोलरता भी आप कहते हो, तो सी लिख लो या एम लिख लो, एक ही बात है। सी को लिख के थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है, बच्चे सोचते हैं कि सी का मतलब यहाँ चालकत्व है, ठीक है, कंडक्टिविटी, नहीं, सी का मतलब यहाँ वही है जो एम का मतलब है, नीचे लिखा हुआ है, जहां सी या एम विशिष्ट विलयन की मोलर सांद्रता है या मोलरता है। इसलिए आप इसी फार्मूले को लिख लेना, इस वाले को, सी वाले फार्मूले को लिखो ही ना, ठीक है। मोलर चालकता लैम्डा एम का मात्र साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अथवा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। तो मोलर चालकता के बाद हमें पढ़नी है तुल्यांकी चालकता या तुल्यांकी चालकत्व, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। किसी विद्युत अवघटक के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसकी तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं या तुल्यांकी चालकता कहते हैं, ठीक है। मतलब यदि आपने एक मोल विद्युत अवघटक की चालकता देखी, वो तो थी मोलर चालकता, और यहाँ एक तुल्यांकी भार की चालकता देखी तो वो तुल्यांकी चालकता है। वहां एक मोल किसका घोलना था, विद्युत अवघटक का, और यहाँ भी एक तुल्यांकी भार किसका घोलना है, विद्युत अवघटक का, ठीक है। तुल्यांकी चालकत्व लैम्डा ई क्यू, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं ना इसे, तथा विशिष्ट चालकता कप्पा में संबंध, तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा थाउजेंड अपॉन सी, ठीक है, कप्पा थाउजेंड अपॉन सी, ध्यान रखना इस चीज का। चलो अगली बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चालकता पर सांद्रण या तनुता का प्रभाव। सबसे पहले बात करेंगे विशिष्ट चालकता पर प्रभाव। विशिष्ट चालकता पता है ना आपको किसे कहते हैं, देखो मैं बताता हूं। मान लो आपने एक विलयन लिया है, सबसे पहले तो एक बर्तन ले लेते हैं, चलो एक ले लेते हैं बर्तन, इस तरह का एक बर्तन है आपके पास, और इस बर्तन में आपने भर रखा है एक यहां तक विद्युत अवघटक का विलयन। तो आप इस विद्युत अवघटक के विलयन में आपको पता बहुत सारे आयन होंगे, तो आपको क्या काम करना है कि इस विलयन के अंदर जो विद्युत अवघटक का विलयन है उसमें एकांक आयतन सेलेक्ट करना है। एकांक आयतन का मतलब एक ऐसा आयतन जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, मतलब इतना आयतन सेलेक्ट करो जो एकांक हो, या जैसे मैं कहूँ एक घन सेंटीमीटर हो या एक घन मीटर, तो इस तरीके से हमने एक घन बना लिया, इसके अंदर क्यूब बना लिया, क्या बनाया, क्यूब। अब इस क्यूब को ध्यान से देखो आप, इस क्यूब में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर, यदि आप इस क्यूब के अंदर देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे, जैसे मान लो मैं यूं कहूँगी इसमें मैंने NaCl घोल रखा है, तो इसमें बहुत सारे Na पॉजिटिव आयन भी और बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन भी होंगे, तो इन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों के कारण एकांक आयतन का जो विलयन है, जो हमने ये बनाया है, इस बॉक्स के अंदर जितने भी आयन होंगे धनायन और ऋणायन, उनके कारण एकांक आयतन की जो चालकता होती है उसे कहते हैं विशिष्ट चालकता, ठीक है, क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। अब आपको ध्यान से एक बात समझनी है कि यदि आप, मैं कह रहा हूं कि मान लो इसके अंदर हमने क्या काम करा,
मान लो इसके अंदर मैं कहता हूं कि इसके अंदर एकांक आयतन के अंदर मान लो 100 आयन है टोटल, 100 आयन इसमें प्रेजेंट है ऐसा हमने मान लिया। इस एकांक आयतन के अंदर 1 घन सेंटीमीटर के अंदर 100 आयन है, तो उन 100 आयनों के कारण जो करंट सप्लाई हो रहा होगा उसे आप कहोगे कि वो इस विद्युत अवघटक के विलयन की विशिष्ट चालकता है। भाई पूरा का पूरा जो विलयन है ना, ये पूरा बर्तन, इसमें भी तो बहुत सारे आयन होंगे। पूरे विलयन के कारण जो चालकता होती है उसे तो हम नॉर्मली चालकता या चालकत्व कहते हैं, पर एकांक आयतन के कारण जो चालकता होती है उसे कहते हैं विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब मैं आपको कह रहा कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पानी लो और पानी इसके अंदर आप मिलाना शुरू कर दो। जब आप इसके अंदर पानी मिलाओगे तो इसका जो लेवल है वो बढ़ेगा, सॉल्यूशन का लेवल राइज करेगा, बढ़ेगा यानी आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ने से क्या होगा कि इस एकांक आयतन में कितने थे आयन, इसमें 100 आयन थे एकांक आयतन में। जब ये आयतन बढ़ेगा तो आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी, जिसकी वजह से एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 100 से नीचे चली जाएगी। आप जितना इसमें पानी मिलाते रहोगे एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती रहेगी, और जब एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है तो फिर विशिष्ट चालकता तो घटेगी, क्योंकि एकांक आयतन में उपस्थित आयनों के कारण जो चालकता होती है उसे ही कहते हैं विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी हमारी, घट जाएगी विशिष्ट चालकता। ध्यान से समझ रहे हैं ना आप इस बात को, तो इसे कहते हैं विशिष्ट चालकता। देखो अब मैं एक बात बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया, यहां लिखा हुआ है चालकता पर सांद्रण या तन्यता का प्रभाव, विशिष्ट चालकता पर प्रभाव देख रहे हैं। मैंने आपको बता दिया विशिष्ट चालकता का मतलब एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या के कारण चालकता। विलयन को तनु करने पर, तनु करने का तात्पर्य यह है विलयन में हमें क्या मिलाना है, पानी। विलयन को तनु करने पर विलयन का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, किंतु उसी अनुपात में उसमें आयनों की संख्या नहीं बढ़ती। अतः विलयन के प्रति एमएल में, प्रति एमएल का मतलब जो हमने 1 घन सेंटीमीटर लिखा था वो 1 ml के बराबर ही होता है। मतलब ध्यान रखना है ये जो प्रति एमएल शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब है 1 ml का मतलब होता है, 1 ml का मतलब होता है 1 cc, सेंटीमीटर क्यूब। आप 1 ml कह दो या 1 cc कह दो, दोनों बातों का एक ही मतलब है, ध्यान रखोगे 1 ml कह दो या 1 cc कह दो। तो यहां लिखा हुआ है कि अतः विलयन के प्रति एमएल में यानी एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है पानी मिलाते ही, तनु करते ही, क्योंकि विशिष्ट चालकत्व का मान विलयन के प्रति एमएल में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः विलयन का विशिष्ट चालकत्व घट जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी विद्युत अवघटक के विलयन में पानी मिलाकर उसे तनु करोगे तो तनु करने पर क्या होता है, एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है, और आयनों की संख्या घटने से एकांक आयतन की चालकता घट जाती है, जिसे आप कहते हो विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोलर तथा तुल्यांक की चालकता पर प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। मोलर चालकता का मतलब होता है 1 मोल विद्युत अवघट है आपने घोल रखा उसकी चालकता, और तुल्यांक की चालकता का मतलब होता है 1 तुल्यांक भार आपने घोल रखा है तो उसकी चालकता। तो मोलर और तुल्यांक की चालकता कहीं एकांक आयतन में उपस्थित आयनों के कारण चालकता तो नहीं है, विलयन के एकांक आयतन की चालकता तो नहीं है। तो जब आप किसी विद्युत अवघटक के विलयन में पानी मिलाओगे ना, तो पानी मिलाने से जो विशिष्ट चालकता थी वो तो घट जाती है, पर मोलर और तुल्यांक की चालकता दोनों बढ़ जाती है। अब बच्चों के दिमाग में सवाल खड़ा होता है कि सर क्यों, हालांकि इन चीजों को
मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रखा है, अभी तो मैं ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर मोलर व तुल्यांक की चालकता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जितना पानी मिलाते हो उतने आयनन की मात्रा बढ़ती है, आयनन या वियोजन की मात्रा। विलयन को जितना ज्यादा तनु करते चले जाओगे उसका परसेंटेज ऑफ आयनन यानी आयनाइजेशन का परसेंटेज बढ़ेगा। यदि आपके पास सांद्र विलयन है तो मान लो उसमें 60% ही वो आयनों में टूट रहा है, 40% वो आयनों में टूट ही नहीं पा रहा है, पर जैसे जैसे आप पानी मिलाते चले जाओगे तो वो शायद 70% टूट जाए, और पानी मिलाने पर 80% टूट जाए यदि वो दुर्बल विद्युत अपघट है। ठीक है, तो मोलर तथा तुल्यांक की चालकता पानी मिलाने पर क्या होंगी, बढ़ेंगी, जबकि विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है। यद्यपि विशिष्ट चालकता कप्पा का मान तनुता के साथ घटता है, किंतु कप्पा में कमी की तुलना में आयतन में वृद्धि बहुत अधिक होने के कारण मोलर तथा तुल्यांक की चालकता के मान बढ़ते जाते हैं। आयतन ज्यादा बढ़ रहा, कप्पा में इतनी कमी नहीं आ रही। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं अनंत तनुता वाला विलयन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत तनुता वाला विलयन पता किसे कहते हैं? मान लो आपके पास कोई विद्युत अपघटक का विलयन है और आप उसमें पानी मिलाते जा रहे, तो पानी मिलाते मिलाते क्या होगा, वो जितना पानी मिलाओगे उतना ही उसके आयनन की मात्रा बढ़ेगी, वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण उसकी मोलर चालकता बढ़ेगी। पर क्या मोलर चालकता हमेशा ही बढ़ती रहेगी? पानी मिलाते जा रहे मोलर चालकता बढ़ती जा रही, पानी मिलाते जा रहे मोलर चालकता बढ़ती जा रही। क्यों बढ़ रही? क्योंकि आयनन की मात्रा बढ़ती जा रही, वियोजन की मात्रा बढ़ती जा रही। पर क्या आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा पानी मिलाने से लगातार ही बढ़ती रहेगी? नहीं, कभी ना कभी आपको एक ऐसा विलयन प्राप्त होगा कि आप उसमें फिर चाहे कितना ही पानी मिला दो पर मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता बढ़नी बंद हो जाएगी। यानी ये दोनों चीजें अर्थात चालकता भी कह सकते हो खाली, में बढ़नी बंद हो जाएंगी। इसका मतलब आयनों की संख्या जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी। तो उस समय जो विलयन हमारे पास होता है जब पानी मिलाते मिलाते मोलर चालकता तुल्यांक की चालकता या खाली चालकता बढ़नी बंद हो जाती है, वो जितना आयनों में टूटना था मैक्सिमम परसेंटेज में टूटना शुरू हो जाता है, तो उस समय जो विलयन हमारे पास होता है उसे कहते हैं अनंत तनुता का विलयन। तो यहाँ लिखा हुआ है अनंत तनुता वाला विलयन। तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अवघटक के लिए मोलर चालकत्व तीव्रता से बढ़ता है, किंतु प्रबल विद्युत अवघटक के लिए यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है। ये तो एक नॉर्मल बात है कि जो प्रबल विद्युत अवघटक है उसमें पानी मिलाने से चालकता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अब बच्चे सोचेंगे, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर रखी है सारी चीज, यदि आपके पास कोई प्रबल विद्युत अवघट है ना तो वो तो पहले भी पूर्ण रूप से आयनों में टूट ही रहा था, अब पानी मिलाने से उसके आयनन की मात्रा पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वो प्रबल विद्युत अवघट है, वो तो पहले भी पूर्ण रूप से आयनों में टूट रहा था। जबकि जो दुर्बल विद्युत अवघट है जब उसका सांद्र विलयन हमारे पास होता है तो वो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटता, पर जैसे जैसे आप उसमें पानी मिलाओगे ना वो उसका विलयन हल्का होता जाएगा तो उसके आयनन की मात्रा बढ़ती है। आयनन की मात्रा पानी मिलाने से दुर्बल विद्युत अवघटक की तेजी से बढ़ती है, ठीक है, जबकि प्रबल विद्युत अवघटक तो प्रत्येक अवस्था में ही लगभग 100% आयनों में टूटा हुआ ही रहता है पहले से, तो पानी मिलाने से क्या प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है कि तनुता बढ़ने पर दुर्बल विद्युत अवघटक के लिए मोलर चालकत्व तीव्रता से बढ़ता है। दुर्बल विद्युत अवघटक के लिए मोलर चालकता भी बढ़ती है, तुल्यांक की चालकता भी बढ़ती है, सामान्य चालकता है जिसे चालकत्व कहते हैं आप सी, वो भी बढ़ता है, किंतु प्रबल विद्युत अवघटक के लिए यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है। प्रबल विद्युत अवघटक तो पहले भी ज्यादा टूट रहा था, पानी मिलाने से क्या ही फर्क पड़ेगा उसके ऊपर। अंततः यानी आखिरकार एक ऐसी अवस्था आती है
जब मोलर तथा तुल्यांक की चालकता के मान स्थिर हो जाते हैं, यानी अब कितना ही पानी मिलाते रहो ना तो मोलर चालकता बढ़ेगी, ना तो तुल्यांक की चालकता बढ़ेगी और ना सामान्य चालकता या चालकत्व सी बढ़ेगा। इस अवस्था में पहुंचे हुए विलयन को अनंत तनुता वाला विलयन कहते हैं। ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हैं। अब हमें पढ़ना है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम। देखो, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघटक की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। ठीक है, रिपीट कर रहा मैं कि अनंत तनुता पर, आपको पता है अनंत तनुता किसे कहते हैं, जब मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व बढ़ने बंद हो जाते हैं, पानी चाहे कितना ही मिलाते रहो, अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो होता है, यानी अब वो जितना टूटना था वो टूट गया, विद्युत अवघट है तो विद्युत अवघट है कि तुल्यांक की चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है, यानी लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटिव, यानी इसे कहते हैं अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता। ये अनंत लिखा हुआ है ना ऊपर इन्फिनिटिव, और लैम्डा ईक्यू किसे कहते हैं, तुल्यांक की चालकता को। अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता, अनंत तनुता पर धन आयन की चालकता, धन आयन की तुल्यांक की चालकता, और अनंत तनुता पर ऋण आयनों की तुल्यांक की चालकता के योग के बराबर होती है। यानी धन आयन भी अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं इस प्रोसेस में, और ऋण आयन भी पूरी भूमिका निभाते हैं, अपना रोल पूरा पूरा अदा करते हैं। कोलराउस ने यूं कहा था कि जब भी किसी विद्युत अपघटक के विलयन की आपने ऐसी अवस्था लिया है, अनंत तनुता पर उसे लिया है, तो उस समय जो उस पूरे विलयन की तुल्यांक की चालकता होगी वो धन आयनों की तुल्यांक की चालकता और ऋण आयनों की तुल्यांक की चालकताओं के योग के बराबर होगी। यानी धन आयन और ऋण आयन दोनों ही करंट को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी आप सोचो कि करंट को सप्लाई करने का काम धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का है तो विद्युत अवघटक में ऋण आयनों का होगा। नहीं, धन आयन भी विद्युत धारा को प्रवाहित करने में उतनी ही हेल्प करते हैं जितना ऋण आयन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। जैसे आप कोई बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जैसे घर में आपके कोई शादी है, तो उस शादी में घर के जितने भी मेंबर हैं, आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, जितने भी मेंबर घर के हैं आपके कुटुंब में, आपके खानदान में, उनकी सबके अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है जब वो शादी का कार्य संपन्न होता है, और सब अपना पूरा पूरा परफॉर्मेंस देते हैं जब वो सफल होता है प्रोग्राम। और यदि कोई भी एक लापरवाही कर देगा तो सारा काम खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है शादी में, यदि किसी ने भी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं निभाई। ठीक है, समझ गए ना, दोबारा रिपीट कर रहा। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघटक की तुल्यांक की चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। दूसरे शब्दों में किसी विद्युत अपघटक की मोलर चालकता, वो तो थी ऊपर तुल्यांक की चालकता के हिसाब से परिभाषा, और ये परिभाषा है मोलर चालकता के हिसाब से। किसी विद्युत अपघटक की मोलर चालकता लैम्डा एम इन्फिनिटिव अनंत तनुता पर विद्युत अपघटक द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर अनंत तनुता पर धनायन की चालकता प्लस अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। अब देखो, यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इस फार्मूले में लैम्डा इन्फिनिटिव तो है, क्या है, मोलर चालकता है अनंत तनुता पर। ठीक है, n पॉजिटिव क्या है, प्रति सूत्र इकाई से विभाजन के पश्चात प्राप्त धनायनों की संख्या, यानी कोई भी विद्युत अपघटक है उससे कितने धनायन प्राप्त हुए हमें। जैसे NaCl से एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव मिलता है, यहाँ जहाँ n प्लस लिख रखा है इसका मतलब है कि आपको एक विद्युत अपघटक के एक अणु से कितने धनायन मिलते हैं।
और एन नेगेटिव का मतलब प्रति सूत्र इकाई से वियोजन के पश्चात प्राप्त ऋणायनों की संख्या। ये है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यदि आप NaCl लेते हैं, एग्जांपल NaCl, तो NaCl कैसे टूटता है? ऐसे टूटता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये जो N पॉजिटिव है, ये जो N पॉजिटिव है इसका मान एक है, और N नेगेटिव का मान भी क्या है, एक है, क्योंकि एक ही ऋणायन मिला है। पर यदि मैं आपको कहूं कि मान लो दूसरा विद्युत अपघटक लेते हैं, जैसे हम लेते हैं BaCl2, बेरियम क्लोराइड जब आयनों में टूटेगा तो Ba डबल पॉजिटिव प्लस 2 बनेंगे Cl नेगेटिव। अब इसमें N पॉजिटिव का मान तो एक ही होगा और N नेगेटिव इसका मान कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 मिले हमें ऋणायन। ठीक है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है ना इसकी। इसे कोलराउस का आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत अपघटन की। देखो, अब बात करेंगे विद्युत अपघटन की, मैं बताता हूँ विद्युत अपघटन क्या है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं, देखो मैं एक बात बताता हूँ विद्युत अपघटन के बारे में। मान लो हमारे पास ये एक बर्तन है, एक बड़ा सा बर्तन ले लिया हमने, और इस बड़े से बर्तन में यहां तक हमने भर दिया जल। लिख देता हूं कि आपने इसके अंदर भर रखा है जल H2O, और जल के साथ आपने इसमें एक विद्युत अपघटक मिला दिया, जैसे NaCl मिला दिया। तो आप जैसे ही इसमें NaCl मिलाओगे, आपको इस बात का तो पता है कि NaCl मिलाते ही वो आयनों में टूट जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो विलयन में बहुत सारे तो Na पॉजिटिव हो जाएंगे और बहुत सारे Cl नेगेटिव। अब मैं आपको कहता हूं कि इसी विलयन में आप एक काम करो, इसमें एक छड़ डुबा दो या एक इस तरह का प्लेट लगा दो एक, ठीक है, एक तो प्लेट इधर लगा दो और एक प्लेट इधर लगा दो। इसमें से एक प्लेट का संबंध तो कर दो बैटरी के प्लस से और एक का संबंध कर दो बैटरी के माइनस से। तो प्लस वाले को आप कह सकते हो एनोड, क्या कह सकते हो, ये तो एनोड है, और माइनस वाले को आप कह सकते हो कैथोड, ये कैथोड है। ठीक है, तो आपको अब इस बात का स्पष्ट रूप से पता है कि जब आप प्लस और माइनस लगाओगे, प्लेट में आवेश प्रवाहित करोगे, इन्हें बैटरी से कनेक्ट करोगे, तो Na पॉजिटिव आयन इधर की तरफ भागेंगे, इधर कैथोड की तरफ, और Cl नेगेटिव आयन एनोड की तरफ। तो यदि मैं कहूं कि कैथोड पर कौन गया, कैथोड पर कौन गया, तो आप कहोगे कैथोड पर गए Na पॉजिटिव आयन, और कैथोड पर पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लिया, और सोडियम धातु में, सोडियम क्या है, धातु, इसमें बदलते रहेंगे Na पॉजिटिव आयन, और इसके ऊपर यहाँ बहुत सारी सोडियम धातु इकट्ठा होती रहेगी। ठीक है, और यदि बात करें एनोड की कि एनोड पर कौन जाएगा, आप कहोगे कि सर एनोड पर जाएंगे Cl नेगेटिव आयन, और इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो वहां अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और बनेगा हमारे पास Cl फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। अब एक Cl मुक्त मूलक दूसरे Cl मुक्त मूलक से बॉन्ड बनाएगा और बन जाएगा Cl2। तो यहां से जो है Cl2 गैस ऊपर उड़ेगी, यहां से इसके पास से कौन सी गैस ऊपर उड़ेगी, Cl2, ये गैस है। तो मतलब कहने की बात ये है, आपको ये समझना है कि जब किसी विद्युत अपघटक के विलयन में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो ना, तो आपको कैथोड और एनोड पर कुछ चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसे कैथोड पर हमें सोडियम धातु मिली, एनोड पर हमें क्या मिला, एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिली। तो इस संपूर्ण घटना को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। अब देखो विद्युत अपघटन क्या है, किसी विद्युत अपघटक का जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा द्वारा अपघटन का प्रक्रम विद्युत अपघटन कहलाता है।
इस क्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। ये तो हमेशा ही होता है, एनोड पर तो ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन। अतः है धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर निक्षेपित होते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल ले रखा है CaH2 का, कैल्शियम हाइड्राइड का, ये टूटता है Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2H नेगेटिव में। अब यहाँ बच्चे कुछ सोचते हैं कि सर जैसे CaH2 है, एक विद्युत अवघटक है, तो इसे आयनों में तोड़ने के लिए कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा जवाब है नहीं, आयनों में तो ये बिना विद्युत धारा के टूट जाएगा। पर सवाल यह है कि आयनों से टूटने से अगला स्टेप है, जैसे एनोड पर कौन पहुंचे, 2H नेगेटिव, ये दोनों ने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दी और H2 गैस बन गई। एनोड पर यह रिएक्शन केवल तभी होगी जब आप एनोड बनाओगे, बर्तन में एक प्लेट डाल लोगे, धनावेश उसके ऊपर रखोगे। और Ca डबल पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे, कैथोड पर, ये डबल पॉजिटिव है तो दो इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। और ये कैल्शियम धातु कहाँ इकट्ठी होगी, कैथोड पर। तो पहला जो पार्ट है ना इस रिएक्शन का, इस टोटल रिएक्शन में कितने स्टेप हैं, तीन। पहला स्टेप तो खाली पानी में ही हो जाएगा, कैथोड एनोड लगाए बिना, ये तो होना ही होना है। पर उसके बाद के जो दो स्टेप हैं ये तो तभी होंगे जब आप जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। तो विद्युत अवघटन वास्तविकता में दूसरे तीसरे स्टेप को कहते हैं विद्युत अवघटन। पहला स्टेप तो बिना करंट के ही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं विद्युत अपघटन का प्रभाव। यदि किसी विलयन में दो या दो से अधिक धनायन या ऋणायन उपस्थित हो, मान लो कोई विलयन ऐसा है उसमें दो धनायन है, दो तरह के, या दो तरह के ऋणायन है, जो उस विलयन का विद्युत अपघटन करने पर इलेक्ट्रोड पर केवल एक विशेष प्रकार का आयन ही मुक्त होता है, तो आना चाहिए था यहाँ जो की जगह तो। मान लो आपके पास कोई विद्युत अवघटक का विलयन ऐसा है कि उसमें दो प्रकार के धनायन हैं, तो बच्चा सोचता है कि सर दोनों प्रकार के धनायनों में से क्या दोनों प्रकार के धनायन ही कैथोड पर मुक्त होंगे या कोई सा एक होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास कोई विद्युत अवघटक का ऐसा विलयन है जिसमें दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक प्रकार के धनायन हो, या दो से अधिक प्रकार के ऋणायन हो, तो ऐसी स्थिति में उन धनायनों में से जो दो प्रकार के हैं उनमें से केवल एक ही धनायन कैथोड पर मुक्त होगा, या ऋणायनों में से केवल एक ही ऋणायन कैथोड एनोड पर मुक्त होगा, वो कौन सा होगा देखो। जबी तो हेडिंग है विद्युत अवघटन का प्रभाव। यदि किसी विलयन में दो या दो से अधिक धनायन या ऋणायन उपस्थित हो, तो उस विलयन का विद्युत अवघटन करने पर इलेक्ट्रोड पर केवल एक विशेष प्रकार का आयन ही मुक्त होता है, अन्य आयन नहीं। ऐसी अवस्था में ध्यान से समझना, जिस आयन की आक्सीकारक शक्ति प्रबल होती है, अर्थात जिसका ई नॉट, पता है ना ई नॉट, मानक अपचयन विभव, मान उच्च होता है, वही कैथोड पर पहले मुक्त होगा। कैथोड पर मुक्त होने वाले धनायनों का क्रम निम्नलिखित है, के पॉजिटिव से पहले मुक्त होगा Ca डबल पॉजिटिव, इससे पहले मुक्त होगा Na पॉजिटिव। यदि आपके पास कोई ऐसा विद्युत अवघटक का विलयन है जिसमें Na पॉजिटिव आयन भी है और Mg डबल पॉजिटिव आयन भी है, तो कैथोड पर बेटे यदि ये दोनों है ना, ये दोनों की बात कर रहा मैं, इन दोनों की देखो, तो कैथोड पर बेटे आपको Na पॉजिटिव नहीं मिलेगा, कैथोड पर आपको Mg डबल पॉजिटिव आयन मिलेगा, ठीक है, समझ जाओ इस बात को। जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे होगा, वही आपको कैथोड पर मिलेगा, ठीक है, ये सीक्वेंस दे रखा विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसी प्रकार एनोड पर मुक्त होने वाले ऋणायनों में वही ऋणायन मुक्त होता है जिसकी अपकारक शक्ति प्रबल होती है। अपकारक का मतलब आक्सीकारक, अर्थात जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो। ऋणायनों के मुक्त होने का क्रम निम्नलिखित है, ऋणायन सबसे पहले I नेगेटिव मुक्त होगा,
ठीक है, उसके बाद बी आर नेगेटिव, फिर सी एल नेगेटिव। तो ध्यान रखना धनायन कौन सा मुक्त होगा जिसका इलेक्ट्रॉन विभव ज्यादा होगा, और ऋणायन कौन सा पहले मुक्त होगा जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कम होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ ही रखा है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बताओ। इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि मान लो आपके पास एक बर्तन है इस तरह का, और इस बर्तन में आपने भर रखा है एक धातु डुबा रखी है। पहले एक धातु का टुकड़ा डुबाते हैं, आपने इसमें डुबा रखा है एक धातु का टुकड़ा, फिर बताता हूं कि इसके अंदर भर क्या रखा है। इस बर्तन में एक धातु का टुकड़ा डुबा दिया, ठीक है, यह धातु का टुकड़ा है हमारे पास, या धातु की प्लेट कह दो या टुकड़ा कह दो, एक ही बात है। जैसे मैं कहूं कि मान लो हमारे पास ये जो है कॉपर का प्लेट था, कॉपर की छड़ थी, तो आपको इसी का विलयन लेना पड़ेगा, इसी के लवण का विलयन, जैसे CuSO4, CuSO4 विलयन में डुबाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एक धातु लेनी है, जैसे कॉपर धातु हमने यहां ली, और उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाना है, ये लवण का विलयन है। तो जब किसी धातु को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु या तो धनावेशित हो जाती है, धातु की छड़ जो है वो या तो धनावेशित हो जाएगी या तो ऋणावेशित, और ऐसी छड़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो देखो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, वो तो होना ही है। इस प्रकार की धातु प्लेट या छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है। उत्पन्न होने वाले आवेश के आधार पर इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं जिन्हें क्रम से एनोड व कैथोड कहते हैं। तो एनोड एक इलेक्ट्रोड तो होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड विभव यह है कि आपके पास धातु की छड़ को आपने उसी धातु के लवण के विलयन में डुबा दिया तो छड़ की सतह पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा, एक वोल्टेज उत्पन्न होगा। इसकी सतह पर क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज, और उस वोल्टेज को ही कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जब धातु की पत्ती को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है अर्थात इसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋणावेशित हो जाती है, वो तो होना ही है, तथा धातु की पत्ती पर इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। धातु की पत्ती एवं विलयन के मध्य एक वोल्टेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव ई कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड की प्रकृति, विद्युत अवघटक की प्रकृति, विलयन के ताप तथा धातु आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये चार चीजें ध्यान रखनी है आपको कि किस किस चीज पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। अब बात करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम प्रदर्शित करते हैं ई नॉट से। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट से। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव है। बस आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो सांद्रता इकाई होनी चाहिए, इकाई का मतलब यहां है 1 mm, 1 mole/L, और तापमान होना चाहिए 25°C और दाब होना चाहिए 1 वायुमंडल। यदि आपने किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबा दिया और आपका जो धातु के लवण का विलयन है उसकी सांद्रता इकाई है या एकांक है या 1 mole/L है और विलयन का ताप है 25°C और दाब उसके ऊपर जो विलयन के लग रहा वो 1 वायुमंडल के दाब लग रहा, तो ऐसी अवस्था में
धातु की सतह पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा ना, उसे आप मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहोगे। क्या कहोगे? मानक इलेक्ट्रॉन विभव। तो यदि अर्धशैल अभिक्रिया में यानी इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई हो, तापमान 25 डिग्री सी तथा दाब एक वायुमंडल हो, तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ई तथा ई नॉट हो सदैव अपचयन विभव माना जाता है, जब तक कि यह बताया नहीं गया हो कि यह ऑक्सीकरण विभव है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी अर्ध सेल के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव बराबर होता है माइनस मानक अपचयन विभव के, और मानक अपचयन विभव बराबर होता है माइनस मानक ऑक्सीकरण विभव के। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रखा है कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र मैंने बनवा रखा है, समझा भी रखा है बहुत अच्छी तरीके से। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन गैस का दाब एक वायुमंडल, विलयन में एच पॉजिटिव आयनों की सांद्रता एक मोल प्रति लीटर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। ताप 25 डिग्री सी भी होना चाहिए, वो लिख नहीं रखा इन्होंने। इसके इलेक्ट्रोड विभव को स्वेच्छा से शून्य माना गया है। अब बात करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं अर्थात ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया तथा अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल अथवा सेल विभव ई सेल कहते हैं, तथा मानक परिस्थितियों में इसे मानक सेल विभव ई नॉट सेल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल निकालना हो तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से निकल जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत काम का फार्मूला है। अब बात करनी है विद्युत रासायनिक श्रेणी की। आपको पता है विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी में स्थित कुछ धातुओं का क्रम निम्न है। ये क्रम दे रखा है Li, K, Na, Mg, Al। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये सबसे ऊपर है और इधर को हम नीचे जाते जा रहे हैं। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग सारे करा रखे हैं आपको, फिर भी एक बार हम फास्टली पढ़ लेते हैं ना विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। नंबर एक, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण क्रम से घटते हैं। यदि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो धातुओं की क्रियाशीलता घटेगी और धन विद्युत लक्षण भी घटेगा। नंबर दो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व अर्थात ऊपर या पहले स्थित तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों अर्थात नीचे स्थित तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कुल मिला के बात यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाली धातु होती है वो नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सारी चीजें पढ़ा रखी हैं आपको। जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है वे अम्लों के विलयन से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं, अम्लों से भी और जल से भी। नंबर चार, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घटती जाती है क्योंकि मानक अपचयन विभव के मान बढ़ते जाते हैं। नंबर पांच, इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन उन्हें अपचयित कर देगी जो लोहे से नीचे वाली तत्व हैं, ठीक है, उनके ऑक्साइडों को। नंबर छह, जिन पदार्थों के रेडॉक्स युग्मों के मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक या कम ऋणात्मक होते हैं वे प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, तथा जिन पदार्थों के मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है वे प्रबल अपचायक होते हैं। यानी धातुएं तो प्रबल अपचायक हैं और अधातुएं प्रबल ऑक्सीकारक हैं, ठीक है।
चलो अगली बात करते हैं, नंबर सात, सातवीं खासियत। इस श्रेणी में मरकरी तथा इससे नीचे की धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर स्वतः धातु में अपघटित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे रेडॉक्स विभव की। रेडॉक्स में दोनों चीजें आती हैं, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले साम्य में विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। किसी पदार्थ की रेडॉक्स अभिक्रिया Mn पॉजिटिव में n इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तब वो M में कन्वर्ट होगा। ये तो ऑक्सीकृत रूप है, ये अपचयित रूप है। इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो अपचयन के बाद ऐसा हुआ। अभिक्रिया के लिए ताप T रेडॉक्स इलेक्ट्रॉन विभव E पदार्थ के ऑक्सीकृत रूप की सांद्रता ऑक्सी तथा अपचयित रूप की सांद्रता ब्रैकेट में रेडॉक्स RED में निम्न संबंध होता है। देखो ये तो ऑक्सीकृत रूप है जिसे हम ब्रैकेट में OXI लिखेंगे और ये अपचयित रूप है जिसे ब्रैकेट में हम लिखेंगे RED। तो E is equal to E naught minus 2.303 RT बटे NF log base 10 ब्रैकेट में रिडक्स, ये क्या है, ये है अपचयित रूप, ठीक है, रेडॉक्स फॉर्म अपॉन ऑक्सीडेशन फॉर्म, जहां E naught क्या है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। अब हम सीखेंगे नर्स्ट समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण नर्स्ट समीकरण कहलाती है। जर्मन भौतिक विज्ञानी नर्स्ट के अनुसार किसी ताप टी पर धातु इलेक्ट्रॉन के विभव ई मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई नॉट और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn पॉजिटिव का कंसंट्रेशन में निम्नलिखित संबंध होता है। यह फार्मूला ध्यान रखना है आपको नर्स्ट समीकरण का, ठीक है। E is equal to E naught minus 2.303 RT बटे NF log base 10 1 upon concentration of Mn positive। R क्या है यहाँ, R है गैस नियतांक, कैपिटल T परम ताप है, F है फेराडे नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 1 फेराडे is equal to 96,500 कूलाम प्रति मोल, स्मॉल N है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये NF का N, कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव है विलयन में धातु की सक्रियता या सांद्रता। अब देखो डेनियल सेल के लिए नर्स्ट समीकरण ऐसी होती है जो नीचे लिखी हुई है। नर्स्ट समीकरण डेनियल सेल के लिए ये वाला फार्मूला लगाओगे और सामान्य रूप से ऊपर वाला फार्मूला है, दो तरह के हैं। E is equal to E naught cell minus 0.0591 upon 2 log concentration of Zn double positive upon concentration of Cu double positive, या E cell या EMF is equal to E naught cell minus 0.0591 upon N log concentration of ionic उत्पाद upon concentration of ionic अभिकारक। फिर हमें पढ़ना है गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा ई में संबंध। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, सारी चीज बताया आपको। डेल्टा जी तो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। अब हमें पढ़ना है सेल या बैटरियों के प्रकार। उत्क्रमीयता के आधार पर सेल निम्न दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अब प्राथमिक सेल कौन से हैं वो देखो। प्राथमिक सेलों में इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय बाद सेल मृत हो जाते हैं, अर्थात सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। उदाहरण शुष्क सेल, लैक्लांसे सेल, मरकरी सेल आदि। द्वितीयक सेल, इन सेलों में इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया किसी बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्क्रमित हो सकती है, अर्थात इन सेलों को विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित यानी रिचार्ज किया जा सकता है, इनमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है, अतः इन सेलों को संचयी सेल अथवा संग्रह सेल भी कहते हैं। उदाहरण तीसा संचायक सेल, निकेल कैडमियम सेल। तो ये था बेटे हमारा, ये हमने पूरा कर लिया चैप्टर, ठीक है। अब मैं कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा आपको बोर्ड वाले, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।